चलिए फिर अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। पहले तो हमारे रिकॉर्ड्स के लिए आज का ये लेक्चर नंबर हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। हमने अभी तक बेसिक बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली थी। पहला चैप्टर हमने किया था रिस्क एंड लेवरेज एनालिसिस का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। फटाफट से अभी तक के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सर पूरे चैप्टर का अल्टीमेटली क्रक्स सीधा सीधा डिस्कस करेंगे क्योंकि आज तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको करनी है। पूरे चैप्टर में सर अल्टीमेटली तीन चीजें बाहर आई थी आपको। पूरे चैप्टर में ऑपरेटिंग लिवरेज सीखना था, फाइनेंशियल लिवरेज सीखना था और कंबाइंड लिवरेज सीखना था, ठीक है कि नहीं। हाँ देवांग, क्लास के बाद मैं अपनी डोज ले लूंगा, दवाई ले लूंगा, उसके बाद दवाई के साथ साथ भाई मैंने ना सच में मैं आपको चलो मैं एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद ना मैंने कुछ प्लानिंग बनाई है एक्चुअली में, ताकि ना आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। मैं उसके लिए रोज आपके पास आऊंगा, ठीक है ना। कैसे आऊंगा वो सब मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। अभी पहले मेरी बात सुनेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो सर तीन तरीकों के लिवरेजेस हमारे पास यहाँ पे आते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। सबसे पहले हमने बात करी थी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की। सर पहला कॉन्सेप्ट हमने जब पूरी इनकम स्टेटमेंट करी थी तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, माइनस करते हैं उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, हमारे पास ईबीआईटी आता है, माइनस करते हैं उसमें से इंटरेस्ट, हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस आते हैं, माइनस करते हैं उसमें से टैक्स, हमारे पास ईएटी आता है, माइनस करते हैं उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, हमारे पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आते हैं, माइनस करते हैं उसमें से इक्विटी डिविडेंड, हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाती है। सर ये जो पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट हमने सीखी थी, इस पूरी इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें लिवरेज का एलिमेंट है, या तो फिक्स्ड कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का खर्चा भी तो फिक्स्ड कॉस्ट है, इंटरेस्ट का खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट है लेकिन फाइनेंसिंग की नेचर का है। फिक्स्ड का खर्चा जो हम फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से माइनस करते हैं वो ऑपरेटिंग नेचर का है, बिजनेस को डे टू डे रन करने का खर्चा है। अल्टीमेटली जब मैं एक बारी ईबीआईटी निकाल लेता हूं, सर ईबीआईटी के बाद तो जो भी चीजें आप माइनस करते हो ना वो एक तरह से स्टेक होल्डर्स को, जिस जिसने कंपनी में पैसा लगा रखा है उसको आप वो पैसा बांटते हो। डेट वालों को पहले इंटरेस्ट बांट दिया, सरकार बीच में जबरदस्ती आ गई उनको टैक्स बांट दिया, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड बांट दिया, इक्विटी वालों को उनका डिविडेंड बांट दिया, ठीक है सर। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग का खर्चा, तो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो रिस्क का एलिमेंट आता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग रिस्क या ऑपरेटिंग लिवरेज। इसी तरीके से इंटरेस्ट का खर्चा एक फाइनेंसिंग नेचर का खर्चा, उसकी वजह से जो रिस्क का एलिमेंट आता है दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग रिस्क और फाइनेंशियल लिवरेज। और इन दोनों को ही अगर साथ में पढ़ा जाए तो वो कहलाता है कंबाइंड लिवरेज। अब सर सीधा सीधा फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूले की बात करनी है। परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला हमने किया था सेल्स से ईबीआईटी तक। सेल्स से ईबीआईटी के बीच में सिर्फ एक कॉम्पोनेंट था फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें लिवरेज का एलिमेंट था, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज। तो फॉर्मूला हमने बनाया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। भूल जाओ तो मतलब से फॉर्मूला बना लेना, मैंने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला समझा जाता है तो वो डिनोमिनेटर से समझा जाता है। तो डिनोमिनेटर में लिखा परसेंटेज चेंज इन सेल्स, मतलब सेल्स में इतना चेंज होगा तो उसकी वजह से न्यूमरेटर के ईबीआईटी में कितने परसेंटेज का चेंज हो जाएगा, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का लिवरेज का एलिमेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट में सर लिवरेज क्यों है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेंस द सेम। आप अगर उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करके कम सेल कर पा रहे हो तो लॉस, अगर आप ज्यादा सेल कर पा रहे हो तो मल्टीपल टाइम प्रॉफिट, क्योंकि आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट का, ओके सर। उसके बाद अगर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज लेट्स से 2 आ जाता है तो 2 या 3 या कुछ भी आता है वो डिनोट क्या कर रहा है। मान लीजिए आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 3 आ गया तो 3 का ऑपरेटिंग लिवरेज क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा कि अगर सेल 1% से बढ़ती है तो ईबीआईटी 3% से बढ़ेगा, और अगर सेल 1% से कम होती है तो ईबीआईटी 3% से कम होगा मल्टीपल टाइम। उसका अल्टरनेट फॉर्मूला फिर हमने यहां पे किया था, अल्टरनेट फॉर्मूला एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट लाया कर गया। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज डिस्कस किया था, ये इंटरेस्ट की वजह से है। तो पहला फॉर्मूला परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। समझने के लिए अगेन, सेल्स से ईबीआईटी तक आप ऑपरेटिंग लिवरेज में आ चुके हो, अब ईबीआईटी से ईबीटी तक आप फाइनेंशियल लिवरेज में आओगे, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट है जो कि फाइनेंसिंग नेचर का खर्चा है। तो आपने डिनोमिनेटर में लिखा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारे ईबीटी में कितने परसेंटेज का चेंज आ जाएगा। फाइनेंशियल लिवरेज मान लीजिए आपके पास 4 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है,
1% से अगर ईबीआईटी बढ़ता है तो 4% से ईबीटी बढ़ेगा, 1% से अगर ईबीआईटी कम होता है तो 4% से ईबीटी कम होगा मल्टीपल टाइम्स। ठीक है सर, इसका अल्टरनेट फॉर्मूला हमने क्या बनाया, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट का एलिमेंट लाया कर गया। ठीक है सर, उसके बाद हमने डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज यहां पे किया था, जैसे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज सेल से ईबीआईटी तक लेके आता है, फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी से ईबीटी तक लेके आता है, कंबाइंड लिवरेज सीधा सेल्स से ईबीटी तक ले आएगा, बीच में फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों लाए कर गए। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, पढ़ा क्या जाएगा, सेल्स में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, तो उसकी वजह से सीधा सीधा ईबीटी में कितना चेंज आ जाएगा, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल दोनों लिवरेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसका अल्टरनेट फॉर्मूला हमने क्या किया था, सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन से ईबीटी, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों लाए कर गए, तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा अल्टरनेट वाला कंबाइंड लिवरेज का। फिर यहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी बात करी थी कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अगर इसमें भी कभी किसी को कंफ्यूजन हो, आप ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों के फॉर्मुलेज को, चाहे परसेंटेज वाला फॉर्मूला हो चाहे अल्टरनेट वाला फॉर्मूला हो, उसको लिख के मल्टीप्लाई करके देख लो, अल्टीमेटली रिजल्टेंट जो फॉर्मूला बचेगा वो वही बचेगा जो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला दिया है। तो ये इक्वेशन बन सकती है, डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट करता है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना, 1, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही ईबीआईटी सेम परसेंटेज का चेंज आएगा। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज एग्जिस्ट करता है इंटरेस्ट की वजह से, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फाइनेंशियल लिवरेज वो भी 1, 0 मत लिखाना। इसी तरीके से कंबाइंड लिवरेज एग्जिस्ट करता है फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों की प्रेजेंस की वजह से, अगर दोनों ही नहीं है तो कंबाइंड लिवरेज 1। ये सर हमने लास्ट क्लास तक सारे कॉन्सेप्ट्स किए थे, आई गेस सभी को सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर रिवाइज हो गए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि इसके बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आइए, तो हमारा ये पहला चैप्टर 15th पेज से स्टार्ट होता है, रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते सार्थक। और फिर मजा आ रहा है सीए की पढ़ाई में? आइए, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। किक मिल रही है, ओके सार्थक। आइए पेज नंबर 20। अच्छा, आपके पास अभी बुक्स नहीं होंगी, कोई बात नहीं, वो भी आपको मिल जाएंगी, मैं कुलदीप भैया को बोल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकेंड यार, पेज नंबर 20 है ये आपका। चलिए, सभी को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 20,000 यूनिट्स। कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी सर बीच में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो सर 20,000 यूनिट्स जब हम बेचते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेते हैं। If the item is sold for rupee 14 per unit, आपके पास selling price per unit दे दी, and variable cost rupee 9 per unit, आपके पास variable cost per unit दे दी, तो 20,000 units पर break even आता है, selling price per unit 14 रुपए, variable cost per unit 9 रुपए आपको दे दी है। मांगा है आपसे calculate the degree of operating leverage for sales volume 25,000 units and 30,000 units। चलिए start करते हैं इसको। देखिए पहली चीज, अब आप यहां पे ये नहीं कह सकते कि सर ये जो आप कॉन्सेप्ट यहां पे लगा रहे हो ये आपने एफएम में तो नहीं सिखाया,
और अगर हम आपसे कॉस्टिंग नहीं पड़े तो फिर आपने तो फिर एक तरह से हमें ये वाली बात बताई नहीं। सर कौन सी वाली बात? एट ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई यही बात होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वही पूरी कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट सर आपने एफएम में तो नहीं पढ़ा। और अगर कोई बच्चा ये भी बोले सर हम कॉस्टिंग आपसे नहीं पढ़े थे, एफएम आपसे पढ़ रहे हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपने हमें कभी बताया ही नहीं। तो बेटा आप जिससे भी पढ़े होंगे, जब मर्जी पढ़े होंगे, कॉस्टिंग आप सबने पढ़ रखा होगा अगर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। वहां के कॉन्सेप्ट सर यहां पे लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है, ये आपका आखिरी पेपर है। तो अगर किसी और पेपर का यहां पे कॉन्सेप्ट लग जाता है तो आपको घबराना नहीं है। इनफैक्ट यहां पे टैक्स के भी कॉन्सेप्ट आएंगे सर अभी आगे, चिंता की बात नहीं है। ओके सर, तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास 14 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपए, 14 माइनस 9। एक तरह से 14 माइनस 9 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय ब्रेक इवन की यूनिट्स, ये आपके पास आ जाएगा 1 लाख। तो ये एक तरह से आपके पास क्या आ गई, पूरी कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। पहले मेरे को बताओ इसमें तो आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्या कर दिया, समझ आ गया ये? ओके जी बोल दो यार। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ इस क्वेश्चन में, मेरा एक सवाल है आपसे, तभी आगे बढ़ेंगे हम। आपके पास सर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी है, आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है, आपके पास अब क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट भी आ चुकी है, और आपसे क्वेश्चन ने मांगा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स। मेरा सवाल आपसे ये है, ऑपरेटिंग लिवरेज के सर दो फॉर्मूले आपने करे हैं, एक परसेंटेज चेंज वाला, क्या फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एक आपने इसका अल्टरनेट फॉर्मूला किया है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। मेरा सवाल आपसे यह है, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया है, परसेंटेज चेंज वाला लगाओगे या अल्टरनेट वाला? सुषमा ने कहा सर एग्जिस्टिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रतिष्ठा ने भी कहा सर एग्जिस्टिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला एग्जिस्टिंग वाला, ये तो सर अच्छा अल्टरनेट वाला। ऐसा क्यों? मेरा अब आपसे इसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है सर, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला तभी लग सकता है जब मेरे पास एटलीस्ट दो डेटा हों, दो इयर्स के डेटा हों, दो वीक्स के डेटा हों, दो हाफ इयर्स के डेटा हों, दो कंपनीज के डेटा हों। अगर दो डेटा होंगे मेरे पास तो ही तो मैं उनमें माइनस करके चेंज निकाल पाऊंगा, और तो ही तो चेंज आएगा तो मैं परसेंटेज चेंज निकाल पाऊंगा। अगर मेरे पास दो डेटा नहीं है तो मैं परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकता। ठीक सर, इसमें आसान है वो फॉर्मूला लगाना? नहीं देवांग, ऐसे नहीं पता लगाते कि वो आसान है तो वो लगा देंगे ना। मेरी बात समझ आई? सर परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला कब लग सकता है? जब आप परसेंटेज चेंज निकाल पाएंगे। और परसेंटेज चेंज आप कब निकाल पाएंगे? जब आपके पास दो डेटास अवेलेबल होंगे, मतलब दो ईयर्स के, दो हाफ ईयर्स के, दो वीक्स के, दो कंपनीज के, कुछ भी इस तरीके से। तो सर मेरा सवाल इसीलिए ये वाला था, आपको क्वेश्चन ने 25,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स के बारे में कहा है, तो मैं इन दोनों का डेटा करके इन दोनों में चेंज निकाल के क्या परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता? बोलिए, क्या मेरा, पहले तो जवाब देने से पहले यहां तक की सारी बात आपको समझ आई? मैंने सवाल क्या पूछा है? मैं 25,000 यूनिट्स का डेटा बना देता हूं, मैं 30,000 यूनिट्स का डेटा बना देता हूं और उन दोनों को माइनस करके परसेंटेज चेंज निकाल लेता हूं, और परसेंटेज चेंज निकाल के परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। नहीं लगा सकते? देवांग ने कहा सर ऐसे कैसे, सुषमा भी कह रही है नहीं, प्रतिष्ठा ने कह दिया नो 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 नो, क्यों ऐसे कैसे, क्या मैंने गलत सोचा? बताओ यार क्यों नहीं लगेगा? ये तो बड़ी गजब बात हो गई, मेरे मन में तो यही आ रहा था यार, लगता है कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे मेरे को। सर दो टाइप की ईबीआईटी नहीं दिए हुए, सार्थक जी वही तो मैंने बोला, मैं 25,000 यूनिट्स पे इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूं उसका ईबीआईटी आ जाएगा, मैं 30,000 यूनिट्स पे इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूं उसका ईबीआईटी आ जाएगा, अल्टीमेटली दोनों का माइनस करके चेंज निकाल देता हूं और परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो सर परसेंटेज चेंज आ सकता है? बिल्कुल सही सुषमा, आपका बिल्कुल सही आंसर है,
क्वेश्चन ने आपसे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 एंड 30,000. 25,000 यूनिट्स का अपना अलग DOL मांगा है, 30,000 यूनिट्स का अपना अलग DOL मांगा है, इसीलिए आपको दोनों का अलग अलग DOL लगाना पड़ेगा. इसीलिए आप यहां पे परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकते. मान लीजिए क्वेश्चन सीधा लिखता कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन सेल्स वॉल्यूम आर 25,000 30,000, आप परसेंटेज चेंज वाला लगा देते. मेरी बात समझ आई सबको कि क्यों यहां पे परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, अल्टरनेट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा? हां जी, देखो फॉर्मूले बड़े सिंपल हैं, बात यहां पे FM पूरा सिंपल होगा आपका, फॉर्मूले बेस्ड होगा, लेकिन बात यही होगी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लगेगा कौन सा. बता दो यार, समझ आया? ओके जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. ये फेयर प्रेजेंटेशन में यहां तक हमने फिक्स्ड कॉस्ट दिखा दी, अब कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. ठीक है जी, तो अब यहां पे इसको हम दो पार्ट्स में बांट देंगे, दोनों का इकट्ठे कर लेंगे. ओके सर, एक जगह पे लिखा पर्टिकुलर्स, यहां पे 25,000 यूनिट्स के हिसाब से दिखा देंगे और यहां पे 30,000 यूनिट्स के हिसाब से दिखा देंगे. तो सबसे पहले तो अल्टरनेट फॉर्मूला क्या था, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT. उसके लिए काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं एक बारी. ठीक है सर, सबसे पहले सेल्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास 14 रुपए है, तो 25,000 इंटू 14 और यहां पे 30,000 इंटू 14. ठीक है जी, 3,50,000. आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर किसी बच्चे के मन में आए सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डायरेक्टली आ जाएगा और वहीं से बना दें, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये आ जाएगा आपके पास 4,20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में 9 दी हुई है, तो 25,000 यूनिट्स इंटू 9 और यहां पे 30,000 यूनिट्स इंटू 9, ये आ जाएगा आपके पास 1,80,000. ये आएगा ना, सॉरी 2,70,000, सॉरी, और ये आएगा आपके पास 2,25,000. आपके पास यहां पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, एक लाख 25,000 और ये यहां पे आ जाएगा 1,50,000. सिंपल यहां तक? ये तो सर ऐसा लग रहा है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं. माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ये आपने ऊपर निकाल रखी है 1,00,000 रुपए की, सीधा सीधा लिख देंगे यहां पे, दोनों जगहों पे सेम रहेगी कितनी मर्जी यूनिट्स बेचें. आपके पास EBIT आ जाएगा, यहां पे 25,000 और यहां पे 50,000. आपके पास सर कंट्रीब्यूशन भी आ चुका है, आपके पास EBIT भी आ चुका है, सीधा सीधा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का ऑल्टरनेट फॉर्मूला लग जाएगा. इसी के नीचे DOL इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला कोट करेंगे यहीं पे, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल फेयर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मैं ये सारा आपको बता रहा हूं, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT. तो इस लेवल पे कंट्रीब्यूशन है 1,25,000, डिवाइडेड बाय EBIT है 25,000, तो ये आ जाएगा 5. ओके, और इसी तरीके से यहां पे कंट्रीब्यूशन है 1,50,000 और EBIT है 50,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 एंड दिस इज इट. आसान था बिल्कुल क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं लगा ये बिल्कुल भी आपको. FM में ना एक दो चैप्टर हैं, उनको छोड़ के बाकी पूरे FM में ना, ये मैं मजे नहीं ले रहा हूं आपके, झूठ नहीं बोल रहा हूं एक्चुअली में भी, एक दो चैप्टर्स हैं
कैपिटल बस्टिंग, लीजेस वगैरह, उन चैप्टर्स को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी चैप्टर्स के ना क्वेश्चन लेंदी नहीं मिलेंगे। जैसे कॉस्टिंग में तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास लेंदी होते थे, यहाँ पे क्वेश्चन लेंदी नहीं होते। आइडेंटिफिकेशन होती है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मल्टीपल फॉर्मूले लग रहे होंगे आपको कि ये भी फॉर्मूला लग सकता है, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, अब सही उनमें से कोई एक होगा। हाँ, देवांग कह रहा है सर इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखूंगा मैं, इतने आसान क्वेश्चन नहीं चलेंगे। बिल्कुल, और गजब की बात है सर, देखो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है सर, ये 5 नंबर में आया हुआ है, कितना गजब आसान क्वेश्चन। तो सर इतना आसान अगर एफएम है तो सर फिर हम ना आपको 90 नंबर ला के दिखाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 21, आप नंबरिंग वगैरह सेम डाल सकते हो, आपकी बुक में ये सेम नंबरिंग होगी। पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 5, वो वाला हो गया ना सबका। चलो मैं आगे अगले क्वेश्चन पे, बताइए एक बारी। ओके जी, आज की क्लास में इसी तरीके से प्रैक्टिस चलेगी, कॉन्सेप्ट आपके पास कोई नया नहीं आने वाला अभी इस चैप्टर में। आइए, अ फर्म सेल्स इट्स ओनली प्रोडक्ट एट ₹10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दे दी आपको ये, इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 70%, तो ₹10 सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट 70% है, मतलब ₹7, 10 का 70%, वाइल फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹1000 और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ₹1000 है, पर यूनिट नहीं टोटल, प्रेजेंट सेल्स आर 1000 यूनिट्स, एट प्रेजेंट हम 1000 यूनिट्स बेच रहे हैं, रिक्वायर्ड आपसे मांगा है फाइंड आउट पहले पार्ट के भी ए पार्ट में DOL, बी पार्ट सी पार्ट बाद में पढ़ते हैं, एक काम करते हैं पहले ए पार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, और उसके लिए भी ए पार्ट मेरे को करना है, पहले पार्ट के भी ए पार्ट में DOL मांगा है। DOL का फॉर्मूला या तो परसेंटेज वाला या ऑल्टरनेट वाला, सर परसेंटेज चेंज वाला तो कोई डेटा इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, ना तो परसेंटेज चेंज बोल रखा है और ना ही दो डेटास दे रखे कि परसेंटेज चेंज आ पाए, तो ऑल्टरनेट लगेगा, जिसके लिए मेरे को एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन चाहिए और एग्जिस्टिंग ईबीआईटी चाहिए, उसके लिए इनकम स्टेटमेंट बना लें, एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो दोनों आ जाएगा। ओके सर, आइए फिर, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए, सभी को समझ आया ना कि मैं इनकम स्टेटमेंट से क्यों शुरू करूंगा यहां पे भी, क्योंकि मेरे को कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी चाहिए, उसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ओके सर, तो मैंने यहां पे ए पार्ट फर्स्ट का भी इनकम स्टेटमेंट बनाई, आपका मन करे आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, मैं पूरी बना के चलूंगा, ठीक है, पर्टिकुलर्स यहां पे अमाउंट। क्यों सर आप पूरी क्यों बना के चलोगे, मेरा मन है, मेरी मर्जी, मेरी क्लास, मा क्लास मा रूल्स। सबसे पहले सेल्स, तो सर सेल्स की यूनिट्स 1000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, देवांग ने तो, सुषमा ने तो कर भी लिया, गजब बात सुषमा, बहुत बढ़िया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 की सेल है, सॉरी 1000 यूनिट्स की सेल है, इंटू 10 का 70% जो कि 7 आया था, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो 7,000 कंट्रीब्यूशन आपके पास आएगा 3,000, माइनस करेंगे यहां से फिक्स्ड कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में ₹1000 दे रखी थी, ये यहां पे, ठीक है ना। ओके प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का भी हो गया, ये आपके पास ईबीआईटी आ गया यहां पे 2000, और सर अब तो हम DOL का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, 3000 डिवाइडेड बाय 2000 इक्वल्स टू 1.5, कंप्लीट करिए यहां। सर अब मेरे को एक बारी अपने मन में एक बारी बताइए, ये जो 1.5 का DOL है ये क्या डिनोट कर रहा है, 1.5 का DOL डिनोट कर रहा है कि सर अगर 1% से सेल ऊपर गई तो 1.5% से ईबीआईटी ऊपर जाएगा, अगर 1% से सेल नीचे गई तो 1.5% से ईबीआईटी नीचे जाएगा, यही बता रहा है ये DOL 1.5 का जो आया है। हाँ सर, ओके, अब आइए फर्स्ट का ही
बी पार्ट पढ़ते हैं। मेरे को बताइए यहां तक सबका हो गया? ठीक है सार्थक, यश का भी हो गया, बाकी सभी नोट हो गया सबका यहां तक? चलें आगे। ओके जी, अब यहां पे बी पार्ट में आपसे मांगा है, मेन जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं बी और सी पार्ट के लिए आपको करवा रहा हूं। ज्यादातर इस तरीके के पार्ट्स इस चैप्टर में से पेपर में आते हैं। ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 40%, अगर सेल 40% से बढ़ जाती है तो ईबीआईटी क्या होगा? रिवाइज्ड ईबीआईटी पूछा है, कौन सी सिचुएशन में जब सेल 40% से ऊपर जाएगी। देखिए फर्स्ट का बी पार्ट, और मेरे को पता है जब मैं फर्स्ट का बी पार्ट अपने तरीके से करवाऊंगा तो कुछ बच्चों के मन में इसका एक अल्टरनेट तरीका भी आएगा, तो एक बारी पहले मेरे को पूरा कंप्लीट करने देना, फिर उसके बाद अगर कुछ भी और आपके मन में होगा तो एक बारी बताना। एक बात बताओ सर, आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला है 1.5, इसका मतलब क्या है? इफ सेल इंक्रीजेस 1%, इफ सेल इंक्रीजेस 1%, दिस इंप्लाइज ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 1.5%। मेरे को बताइए जो मैंने यहां पे लिखा है वो आपको समझ आया? ये फेयर प्रेजेंटेशन है। इफ सेल इंक्रीजेस 1% देन ईबीआईटी इंक्रीजेस 1.5% एंड वाइस वर्सा। सेल अगर 1% से नीचे जाएगी तो ईबीआईटी 1.5% से नीचे जाएगा, लेकिन डिक्रीज का मेरे को यहां पे काम नहीं करना। अच्छा, सेल अगर 1% से ऊपर जाएगी तो ईबीआईटी 1.5% से ऊपर जाएगा। क्वेश्चन में सेल इंक्रीजेस बाय 40%, तो सर अगर सेल 40% से ऊपर जाएगी तो ईबीआईटी कितने से ऊपर जाएगा? देयरफॉर सेल इंक्रीजेस बाय 40% इंप्लाइज ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 40 × 1.5 इतना परसेंट, दैट इज ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 60%। बिल्कुल सही, मतलब अगर सेल 40% से बढ़ेगी तो फिर ईबीआईटी 60% से बढ़ेगा एज पर दिस डीओएल। हेंस रिवाइज्ड ईबीआईटी, आपका एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना था? 2000 रुपए, नहीं सॉरी, हां एग्जिस्टिंग ईबीआईटी आपका 2000 रुपए था, जो कि अब कितने परसेंटेज से बढ़ जाएगा? 60% से बढ़ जाएगा। तो 2000 एग्जिस्टिंग प्लस 2000 का 60%, दैट इज 3200 आपका रिवाइज्ड ईबीआईटी आ जाएगा जब आपकी सेल 40% से बढ़ेगी। मेरे को बताइए समझ आया आप सबको यहां पे किया क्या है पहले? तो फिर उसके बाद इसका जो अल्टरनेट मन में आता है वो भी मैं बताऊंगा। हाँ जी, सभी को यहां तक क्लियर है? नोट हो गया सबका? ये फेयर प्रेजेंटेशन के साथ मैंने किया है, पेपर में आप इस तरीके से कर सकते हो। हो गया? अब मेरी एक बात सुनो, कुछ बच्चों के मन में इसकी एक अल्टरनेटिव कैलकुलेशन आती है, बच्चों के मन में ये आता है सर क्वेश्चन में ये लिखा है ना कि सेल इंक्रीजेस बाय 40%, एक काम करते हैं रादर देन यूजिंग डीओएल हम एक रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, हम एक रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। एट प्रेजेंट हमारी सेल 10,000 थी, 40% से सेल बढ़ रही है, इसका 140% करके यहां पर रिवाइज सेल्स लिख देंगे, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट 7,000 थी, सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, 140% से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा देंगे, हमारे पास यहां पर रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। माइनस कर देंगे सर यहां से फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगी क्योंकि यूनिट्स बढ़ाओ घटाओ कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, वो 1,000 रुपए थी। सर हमारे पास यहां पर रिवाइज्ड ईबीआईटी आ तो जाएगा, और सर गजब की बात तो यहां पर यह होगी अगर आप इस तरीके से भी ये कैलकुलेशन करेंगे ना इनकम स्टेटमेंट से, तो आपका जो यहां पर रिवाइज्ड ईबीआईटी आएगा वो 3200 ही आएगा, मतलब आंसर आपका सेम आएगा, चाहे जैसे मैंने करवाया है चाहे आप इस तरीके से रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर ये आपने पेपर में किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे सर इस क्वेश्चन में 0, ठीक है जी, फॉर द सिंपल रीजन अगर सर इनकम स्टेटमेंट्स बना बनाकर इतने डिटेल्ड कैलकुलेशंस कर करके ही ईबीआईटी तक पहुंचना था तो डीओएल निकालना सीखा क्यों है फिर, डीएफएल निकालना सीखा क्यों है फिर? मैंने लास्ट क्लास में जब पूरा टॉपिक खत्म किया था
इसी पर्पस के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रैक्टिकलिटी में भी बताया था कि सर DOL DFL का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है। हम DOL और DFL की हेल्प से फोरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले टाइम का EBT कितना हो सकता है, अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम का EPS कितना हो सकता है। अगर उसके लिए अब आप सोच के देखो, ये कैलकुलेशंस आप एक इन्वेस्टर लगा रहे हो और आपको एज एन इन्वेस्टर पता चलता है कि यार आने वाले टाइम में सेल ना, मेरे पैसा लगाने की वजह से आने वाले टाइम में कंपनी की सेल 40% से बढ़ेगी, तो क्या आप एज एन इन्वेस्टर बैठ के पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे? नहीं सर, आपको अगर DOL का कॉन्सेप्ट मालूम है तो बीइंग एन इन्वेस्टर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि आने वाले टाइम का EBIT क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब है इनकम स्टेटमेंट बनाकर जो DOL DFL का पर्पस था वो फेल हो जाता है, तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे। सही आंसर के मार्क्स नहीं होते हैं, किस तरीके से उस सही आंसर तक पहुंचे हो इसके मार्क्स होते हैं। आई गेस सभी को पता चल गया, यहां पे सभी को क्लियर हो गया, बताइए एक बारी। और किसी के भी मन में अगर ये आ रहा होगा कि सर इनकम स्टेटमेंट से भी हो सकता था, तो वो भी आपका डाउट रिफ्यूट हो गया, बताइए एक बारी, आगे चलूं? ओके सर, इसके बाद अब है इसका सी पार्ट। सर उसमें भी यही मांगा है, EBIT इफ सेल्स फॉल बाय 25%, सेम तरीके से करेंगे। आइए सी पार्ट फर्स्ट का ही, इफ सेल्स, यहां पे मैंने जो कॉन्सेप्ट लाइन लिखी थी वो इंक्रीज की टर्म्स में लिखी थी, अब डिक्रीज की टर्म्स में लिखूंगा। इफ सेल डिक्रीज बाय 1%, दिस इंप्लाइज EBIT विल डिक्रीज बाय 1.5%। सो देयरफॉर when sales decrease by 25%, this implies EBIT will decrease by 25 into 1.5 itna percent, that is 37.5%। itne percentage se aapka EBIT ab is part ke according kam ho jayega, hence revised EBIT। एग्जिस्टिंग EBIT आपका 2000 था, अब नालायकों कहीं ये पिछले पार्ट का 3200 EBIT मत उठा लेना, इस 3200 को इतनी परसेंटेज से कम मत कर देना, क्योंकि 3200 ऑलरेडी 60% से इंक्रीज्ड है और ये सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग था, क्वेश्चन के बेस डेटा के अकॉर्डिंग जो EBIT आया था उसको पिक करना। देवांग ने आंसर भी बता दिया, माइनस क्योंकि यहां पर घटाना है 2000 का 37.5%, आंसर वुड बी, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, ठीक है देवांग, 1250। हाँ जी ठीक है देवांग, ठीक है यश, समझ आ गया सबको, बताइए। हाँ जी सबको क्लियर, चले आगे। प्रांजलि समझ आ रहा है, पढ़ाई चल रही है आपकी ठीक ठाक, दोनों ग्रुप्स मैनेज कर पा रहे हो भाई? प्रभव आपको भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन का सर सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट, ओके प्रभव, बाय व्हाट परसेंटेज शुड सेल्स फॉल बिफोर द फर्म स्टार्ट्स इंकरिंग लॉसेस। अभी तक ना, अब सर एक बड़ी डिफरेंस समझिए, जो पहला और सेकंड पार्ट है ना उसमें छोटा सा डिफरेंस है। पहले पार्ट में क्या कर रखा था, सेल का चेंज बता दिया था, उसकी वजह से EBIT का चेंज आपसे पूछा था, सेल का चेंज बता दिया था, EBIT का चेंज पूछा था। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में आपको EBIT का चेंज बता दिया है और उसकी वजह से सेल में कितना चेंज आएगा वो पूछा है। दोबारा रिपीट करता हूं, फर्स्ट पार्ट में सर आपको बोल दिया था सेल 40% से बदलेगी या सेल 25% से बदलेगी, उसकी वजह से EBIT बताइए क्या होगा, तो सेल का चेंज दे दिया था, EBIT का चेंज पूछा था। सेकंड पार्ट में EBIT का चेंज दे दिया आपसे, सेल का चेंज पूछा है। सर कैसे पता चला, बाय व्हाट परसेंटेज शुड सेल बिफोर शुड सेल फॉल, मतलब आपसे सेल में कितना चेंज आएगा वो पूछा है। कैसी सिचुएशन में, बिफोर द फर्म स्टार्ट्स इंकरिंग लॉसेस, एट प्रेजेंट फर्म में जितना डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्म का प्रॉफिट 2000 है,
वैसे तो प्रॉफिट नहीं होता ये, वैसे तो प्रॉफिट ईएटी आता है, वैसे तो प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स आता है, लेकिन पहली बात इससे आगे की इनकम स्टेटमेंट का डेटा नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट 2000 है। क्वेश्चन करता है, कहता है सेल्स में चेंज बताओ कि कितना होगा, कि उससे ज्यादा अगर चेंज हो गया सेल्स में तो कंपनी को लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे, मतलब जस्ट लॉसेस आने से पहले का चेंज, मतलब इस ईबीआईटी के जीरो हो जाने तक। जब ये ईबीआईटी जीरो होगा उतने में सेल्स में कितना चेंज आएगा, मतलब आपको ईबीआईटी का चेंज दे दिया है, ईबीआईटी का चेंज कितना, बिल्कुल सही सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, ईबीआईटी का चेंज कितना, फिर 2000 से जीरो हो जाना, दैट इज 100%। मेरे को बताओ क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, अब अगर आपको यह समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन में कुछ बचा है नहीं है, लेकिन यह समझ में आना कि क्वेश्चन यह बोल रहा है कि ईबीआईटी में 100% चेंज तो सेल्स में चेंज कितना, यह सभी को समझ आया कि हां सर इस लाइन में यही बोला है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड सेल्स फॉल बिफोर द फर्म स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस, जस्ट लॉसेस स्टार्ट होने से पहले, मतलब जीरो प्रॉफिट। ठीक है जी, आइए इसको अब लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, परसेंटेज चेंज इन सेल्स बिफोर फर्म स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस, दैट इज एट जीरो ईबीआईटी। ये पहले हमने एग्जामिनर को इसी बात को समझाया, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू 100%, और ये चेंज कौन सा चेंज है, ये सर डिक्रीज है, ईबीआईटी 2000 से गिरकर जीरो हो रहा है, दैट इज डिक्रीज। अब यहां पे कॉन्सेप्ट लाइन आ जाएगी, एज पर आपको ना इस तरीके से समझाना होता है एग्जामिनर को, स्ट्रेट अवे ये नहीं है कि आंसर निकाल के बैठ के वहां पे दे आए, ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर को लिख के पूरा आप समझाओगे। यहां पे एफएम में इस तरीके की एक्सप्लेनेशंस बहुत हैं जो आपको लिखनी पड़ती हैं, ये नहीं कि सीधा सीधा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी डिटेल में ये सारी बातें करके चलूंगा ताकि आपको पूरा बेस क्लियर हो कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है एफएम में। बेसिकली अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में भी ज्यादातर हम सीधा सीधा स्टेटमेंट बनानी शुरू करते हैं, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, एफएम में सर इस तरीके से एक्सप्लेन बहुत करना होता है मुझे, स्ट्रेट अवे मैं टेबल बना के आंसर नहीं देके आ सकता, सर मतलब परसेंटेज चेंज इन सेल विल बी, हां सार्थक वो तो अभी मैं कंप्यूट कर रहा हूं, देयरफॉर एज पर डीओएल 1.5% डिक्रीज इन ईबीआईटी, मैं उल्टा लिख रहा हूं आप जान के, जब 1% डिक्रीज होगा इन सेल में, एक तरह से नॉर्मली मैं क्या लिखता हूं, 1% का चेंज होगा सेल में तो उसकी वजह से 1.5% का चेंज होगा ईबीआईटी में, तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया, ईबीआईटी में 1.5% का चेंज होता है तो सेल में 1% का चेंज होता है, क्योंकि मेरे को सेल का चेंज निकालना है। तो सर यहां से जब 1% का डिक्रीज होगा ईबीआईटी में तो सेल में 1/1.5, छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन, इतने परसेंटेज का डिक्रीज होगा इन सेल में, हमारे ईबीआईटी में कितना चेंज आ रहा है 100% का, 100% डिक्रीज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू 1/1.5 इंटू 100, इतने परसेंटेज का डिक्रीज होगा इन सेल, therefore decrease in sale is equal to, ये कितना आएगा 100/1.5, this implies 66.67%, और ये है आपका आंसर। और यहां पे ये मत कहना कि सर जैसे सेकेंड पार्ट में आपने परसेंटेज चेंज निकलवाने के बाद रिवाइज्ड ईबीआईटी निकाला था, तो यहां पे भी परसेंटेज डिक्रीज निकालने के बाद रिवाइज सेल्स निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपसे बाय व्हाट परसेंटेज, आपसे आंसर ही परसेंटेज में मांगा है, जबकि पहले पार्ट में आपसे आंसर ही एब्सोल्यूट अमाउंट में मांगा था, ईबीआईटी मांगा था, इसलिए मैंने वहां पर रिवाइज्ड ईबीआईटी निकाला था, सेकंड पार्ट में रिवाइज सेल्स नहीं निकाला है। हां जी समझ आया, सभी को क्लियर बताइए, नींद में तो नहीं हो,
समझ आ गया यहां तक? बोलो ना लायकों, बोलो। ओके ओके ठीक है जी, आइए फिर और क्वेश्चन करते हैं। सर देवांग कह रहा है सर लिटिल लिटिल नीनी, ये लिटिल लिटिल नीनी कह रहा है तू, जैसे ऐसे कहीं तू लिटिल लिटिल कुछ ले तो नहीं लिया है? प्लीज वी हेट बेबी टॉक। व्हाट बेबी टॉक? यहां पे कौन सी बेबी टॉक हुई? हिमानी क्या बोलती हो तुम? सार्थक क्या हो गया इसमें? मैंने मतलब कुछ, मैं ऐसा था कोई पॉइंट था जो मैं समझ ना पाया हूं? बताओ बताओ। ये अच्छा, ये बेबी एक्सेंट है। ओके ओ नहीं भाई, ये वाला नहीं, थाना थाया। निब्बा निब्बी इज इन द हाउस। वैसे है हमारी क्लास में निब्बा निब्बी। ये तो उनकी हरकतें हैं। देवांग बड़ा खुश हो रहा है ना देवांग? देवांग जैसे तू मेरे को बोलता है कि सर शाम होते ही आप अपना लिटल लिटल, ऐसे तुम्हारा तो शाम होने के बाद मिले बेबी ने थाना थाया ये सब शुरू हो जाता होगा तुम्हारा। है देवांग? ये सब में नहीं है तू? अच्छा, हमें तो बड़ा लगता है देवांग। क्या लिख रहे हो? थाना वालों का पूरा दिन चलता है। अच्छा, हिमानी को बड़ा एक्सपीरियंस है। हिमानी कह रही है नहीं सर पूरा दिन चलता है हमारा। ओके हिमानी, आपको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। निब्बी कुछ बोली? क्या बोली मेरे को नहीं पता, बताओ बताओ। निब्बी की बात आते ही रचना को क्यों दिक्कत होने लग गई? रचना क्यों कहने लग गए चलो चलो सर बस पढ़ते हैं? कहीं ये निब्बी रचना ही तो नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, एक क्वेश्चन और करेंगे, बड़ा आसान सा सिंपल क्वेश्चन। हिमानी रचना आवाज नहीं आ रही? रचना को तो बस अपने डिब्बे की आवाज सुनाई देगी, हमारी क्यों आवाज सुनाई देगी? क्यों रचना? चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हिमानी मैं आज ही बोल दूंगा कुलदीप भैया को, ठीक है ना? आज ही बोल दूंगा मैं। रचना ऊपर ऊपर से तो दिखा रही है कि हाँ मेरे को दिक्कत है, क्या बोल रहे हो सर, ये क्या बोल रहे हो सर, अंदर अंदर से लड्डू फूट रहे हैं। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिमानी मैं आपको पक्का पक्का शाम तक इन्फॉर्म करवा दूंगा, मेरे को अभी ये नहीं मालूम कि प्रिंट होके आई है या नहीं आई है, मैं अभी तभी बोल रहा हूं, क्लास होते ही मैं एक बार पूछ लूंगा, ठीक है? और ग्रुप्स पे मैसेज करवा दूंगा। चलो सार्थक तू क्यों ब्लश कर रहा है? देखो सार्थक मेरे को पता है तू बैठा बैठा हंस रहा है, ऑल्दो तू मेरे को दिख नहीं रहा लेकिन मेरे को पता है। एक काम करो सारे के सारे अपनी वीडियो ऑन करो एक बारी, मैं देखना चाहता हूं तुम सारे नालायकों को, तुम बैठ के पढ़ भी रहे हो या नहीं। सभी नालायक वीडियो ऑन करेंगे अपनी। चलो जी देखें कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। उसको याद आ रही है अपनी वाली की, तुम्हें अपने निब्बे की याद आ रही है? फिर हिमानी कह रही है कैमरे पे टेप लगा रखी है, बहुत बढ़िया बेटा, मतलब तुम में से कोई नहीं पढ़ रहा ढंग से बैठ के। मैं आगे पढ़ाना नहीं शुरू करूंगा, कैमरे ऑन करो सभी, मेरे को देखना है पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कैसे बैठे हो तुम। कैमरे ऑन करेंगे सभी, ये सार्थक नालायक ने भी पता नहीं कुछ किया है। मैं अब हर क्लास में यही करूंगा, मैंने पूरा सेटअप भी इसी तरीके से लगवाया है। मेरे को तुम सबको ना अब कैमरे नहीं ऑफ होंगे, कैमरे ऑन करो, कोई नहीं पढ़ रहा तुम में से बैठ के, जैसे कहानियां चल रही हैं। ये तुम सबको इतनी शर्म क्यों आ रही है? किसी ने कैमरा नहीं ऑन किया मतलब या तो तुम पढ़ नहीं रहे हो या फिर नालायकों ऐसी कौन सी हालत में बैठे हो जो तुमसे कैमरे नहीं ऑन हो रहे।
हाँ ठीक है, तुम तो अपने निब्बे के ख्यालों में ही रहो। ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है प्रभव। ये तुम ना थोड़ा सा ढंग से नहा धो के क्लास में बैठा करो, तो अभी तुमको नींद आती है फिर बीच बीच में। लिटल लिटल लेके बैठे हैं तो वो उसमें तुमने सुना नहीं देवांग, शेयरिंग इज केयरिंग। अकेला अकेला नालायक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं, किसी का कैमरा ऑन नहीं है, मेरे को पता है। प्रभव कह रहा है मैं तो फ्रेश ही हूं सर। ओके प्रभव, तभी कैमरा नहीं ऑन किया गया तुम लोगों से। हाँ मेरे को नहीं दिख रहा, किसी का ऑन नहीं है, मेरे को पता चल गया। और अगली क्लास में ना थोड़ा ढंग से बन के आना, देखता हूँ। मैं पढ़ाने नहीं शुरू करूंगा अगली क्लास में अगर कैमरे नहीं ऑन हुए तुम्हारे एक बारी के लिए तो। चलो ठीक है देवांग, ओके यो। आइए क्वेश्चन नंबर 8। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ ₹40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ₹25 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹6 लाख। हाँ देवांग दिख रहा है तू, यो यो यो। तो सेल्स आपके पास सर ₹40 लाख की दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट ₹25 लाख की, फिक्स्ड कॉस्ट ₹6 लाख की, और आपको 10% का सर इस क्वेश्चन में डेट भी दे दिया, ₹30 लाख का यहां से आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, एंड इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹45 लाख। एक तरह से इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बता दिया, छोटा सा कैपिटल स्ट्रक्चर एज इन इक्विटी से सर इनके पास पैसा आया हुआ है ₹45 लाख, और डेट से सर इनके पास पैसा आया हुआ है ₹30 लाख। तो इन टोटल इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, ₹75 लाख यहां पे दे रखा है ये, और ये जो डेट है ये 10% का है। ठीक है ना। कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। आपसे सर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज मांगा है, तो कहां से स्टार्ट करोगे सर? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है कि नहीं? इनकम स्टेटमेंट बना के ऑल्टरनेट वाला फॉर्मूला लगेगा, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, और एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी फाइनेंशियल लिवरेज के लिए। ऐसे ही होगा। मेरे को बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन खुद से कर पाओगे अभी? बताएंगे। हाँ जी करिए, स्टार्ट करिए, ये क्वेश्चन खुद से करिए अभी के अभी। करो जी करो, खुद से करिए। मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं पूरा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा और चेक करूंगा कि आपने वो सॉल्यूशन वैसे किया या नहीं। प्रेजेंटेशन के साथ करिए एक बारी। अब मैं शांत हूं, बिल्कुल चुप हूं, आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, करेंगे। वैसे जब भी तुमको ऐसे क्वेश्चन होमवर्क देने चाहिए अपने सामने करवाने के लिए, तुम्हारे ना कैमरे अब अगली क्लास से मैं पक्का ऑन करवाने ही वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अभी विश्वास ही नहीं हो रहा तुम बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो या क्या कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं। नो देवांग, नो, बिल्कुल नहीं।
आर्यन का हो गया। आर्यन अभी आंसर मत बताना, वो मैं इकट्ठे डिस्कस कर लूंगा फिर, ठीक है ना। देवांग का भी हो गया, सार्थक का भी हो गया, प्रतिष्ठा का भी हो गया। ओके प्रभव, ओके प्रांजलि, ठीक है जी, सभी बच्चों का हो गया। अब देख लीजिए, आपने इसी तरीके से पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, सेल 40 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख की क्वेश्चन में दे रखी है, माइनस करके कंट्रीब्यूशन 15 लाख, माइनस करी होगी आपने 6 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट, आपके पास ईबीटी आया होगा, ईबीआईटी आया होगा 9 लाख रुपए का, उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस किया होगा, डेट आपको क्वेश्चन में 30 लाख का बता रखा था 10% के कूपन रेट के हिसाब से, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट, ईबीटी आपके पास 6 लाख आया होगा, ऐसे ही किया आपने। उसके बाद कंट्रीब्यूशन 15 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 9 लाख, ये आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आया होगा, 15 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख करके 1.67 यही आया। उसके बाद एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 9 लाख डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी 6 लाख, 9 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख करके आपके पास 1.5 डीएफएल आया होगा। उसके बाद डीसीएल या तो फॉर्मूला लगाया होगा, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन 15 लाख डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 6 लाख, या तो ये लगाया होगा आपने तो 2.5 आया होगा, या फिर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो डीसीएल को डीओएल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल, डीएफएल आपके पास 1.5, डीओएल आपके पास 1.67, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से भी आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। यही आंसर आया आपके पास, हां जी, ओके जी, बहुत बढ़िया यार, आपने तो देखो खुद से कर लिया क्वेश्चन, और देखो गजब बात है सर, ये भी सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, तो किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर में से, 5 नंबर पक्के होने चाहिए यहां पे आपके। ये हिमानी जी ने कैमरा ऑन किया लेकिन सामने देखो किसको बिठा दिया, मैं एक बारी के लिए अभी देख के डर गया ये कौन आ गया। हाँ यश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेल के अलावा सीधा डायरेक्टली वहां से शुरू कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं उसमें। आइए एक बारी एक आधा सिंपल क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। गुस्सा आ गया टेडी को, पता नहीं कैसा सा टेडी है ये तुमने खेलने के लिए रखा है हिमानी या डराने के लिए रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 25। अच्छा नाराज है ये, देवांग को बड़ा एक्सपीरियंस है टेडी के नाराज होने का, है ना। अरे फिर से खुश हो गया डैडी, चलो तो क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड द डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फॉर द फॉलोइंग फर्म्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो आपसे कुछ फर्म्स का डेटा दिया हुआ है, आउटपुट इन यूनिट्स, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, इंटरेस्ट के खर्चे दे रखे हैं और आपसे सारे लिवरेजेस मांगे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा पिछला क्वेश्चन अभी करा है ना वैसा वैसा सही क्वेश्चन है। आइए कोई बात नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, देख लो अब आप, ये भी सर पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, कितनी बारी आया हुआ है, 2 बारी तो मैंने यहां पे डाला हुआ है, मैं इतने सारे क्वेश्चन की सेम भी है चाहे, फिर भी आपको इसलिए बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं पेपर में, ऑल्दो लेवल बढ़ाऊंगा थोड़ा सा अभी इस क्वेश्चन के बाद। आइए इनकम स्टेटमेंट, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा इसको बोलते कैसे हैं। हाँ ऑक्टोपस प्लशी है, मूड चेंजिंग, हा हा हा, ओके। इनकम स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस, तो पर्टिकुलर्स के अलावा सर यहां पे 3 कॉलम्स बना देंगे, तीनों कंपनीज का एक साथ कर लेंगे। PQR,
तो सबसे पहले यहां पे सेल्स 2.5 लाख यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 7.5, क्यू में 1,25,000 यूनिट्स हैं, ₹7 पर यूनिट की सेलिंग प्राइस, और आर में 7,50,000 यूनिट्स हैं, ₹10 की सेलिंग प्राइस। ₹8,75,000 और पी में ₹18,75,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको ₹5 पर यूनिट दी हुई है यहां पे, तो 2,50,000 इंटू 5, ये आपके पास 12.5 लाख आ जाएगी। क्यू में ₹2 पर यूनिट, 1,25,000 इंटू 2, ये आपके पास 2.5 लाख आ जाएगी, और आर में ₹7.50 पर यूनिट, ₹56,25,000। अकॉर्डिंगली आपके पास इन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ₹6,25,000, 6,25,000 ही यहां पे, और लास्ट में 75 लाख माइनस 56,25,000। ओके जी, 1,875,000। ठीक है जी, माइनस करेंगे यहां से फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में 5 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, तो ये आपके पास EBIT आ जाएगा 1,25,000, यहां पे ये 3,75,000, ये 8,75,000। EBIT में से फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट, ये भी आपको एज इट इज क्वेश्चन में दे रखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 75,000, 25,000 और आर में है नहीं, आपके पास EBT आ जाएगा, यह आ जाएगा 50,000 और यह आ जाएगा 3,50,000, यह आ जाएगा 8,75,000। बस EBT आ गया, अब आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूलेज लग जाएंगे सारे। सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, तो पी का कॉन्ट्रीब्यूशन 6,25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, यह आएगा 5। ठीक है, ओके देवांग, ओके यश। उसके बाद आर का कॉन्ट्रीब्यूशन 6,25 और EBIT 375। यह आएगा 1.67, ओके, और इसी तरीके से आर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1875 और EBIT 875। यह आएगा 2.14।
ठीक है, ओके ओके जी। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया, अब इसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इसका पहले अल्टरनेट वाला फॉर्मूला, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। तो पी का ईबीआईटी 1:25, ईबीटी 50,000। तो ये आएगा 2.5, ओके। उसके बाद क्यू में ईबीआईटी 375, ईबीटी 3.5 लाख। ये आएगा 1.07, ओके जी। और आर में ईबीआईटी भी 875, ईबीटी भी 875, इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता नहीं तो फाइनेंशियल लिवरेज 1 होगा डायरेक्टली, ठीक है जी। क्वेश्चन ने आपसे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज भी मांगा था, या तो फॉर्मूला लगा दो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी और डीओएल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल, कुछ भी कर दो, मैं ये वाला दूसरे वाला लगा रहा हूं। तो डीओएल 5 मल्टीप्लाई बाय डीएफएल 2.5, ये आ जाएगा 12.5। यहां पर डीओएल 1.67 मल्टीप्लाई बाय डीएफएल 1.07, और यहां पे 2.14 ही बच जाएगा, एंड दिस इज इट। देख लो सर कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट करिए। आई होप मुश्किल तो नहीं अभी कुछ भी लग रहा होगा। और देख लो ये एग्जाम के ही क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, बल्कि आज ही की क्लास में कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं साथ साथ पास्ट ईयर का पेपर भी खोलूंगा। पिछले साल का पेपर मैं चाहता हूं सिलेबस के साथ साथ ही एफएमएम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा उसका जो जो क्वेश्चन पिछले पेपर में आता जाएगा वो हम सॉल्व करते जाएंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली तैयारी हो जाए कि हाँ ये पिछले एग्जाम का लेवल था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आप तो सर हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया, देखो कितना आसान। आप आइए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 11। ये नोट हो गया ना सबका, होश में हो, जिंदा हो, लाशें तो नहीं बन गए, ओके सार्थक। वैसे एक्चुअली मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये एफएम, बाय द वे आपको भी रियलाइज हो रहा होगा, जैसे पहला चैप्टर, ऑल दो वैसे तो देखो पहला चैप्टर अभी कर रहे हैं, पहला चैप्टर वैसे भी ये थोड़ा सा आसान ही है, इसके अलावा भी ना एफएम में ना आपके पास एज सच बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, होते ही नहीं है कि जो कि जैसे कॉस्टिंग के इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस होते थे। पहली बात, एफएम के क्वेश्चंस होते छोटे हैं एक्सेप्ट सम चैप्टर्स, कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन एज सच लेंदी नहीं होते, लेकिन उनमें ना अटेम्प्टेशन का, आई गेस आपको इस पहले चैप्टर से क्लियर हो रहा हो, आप स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट बना के सॉल्व नहीं कर सकते, आपको यहां पर चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है बहुत कुछ। पहली चीज तो यहां पे प्रेजेंटेशन में बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंस एक तो ये है, दूसरी चीज यहां पे ना कैलकुलेशन सिली मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अभी धीरे 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 आगे आगे आप देखेंगे कैलकुलेशन बहुत बढ़ेंगी, तो प्लीज प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है इसकी। तीसरी चीज, इस सब्जेक्ट में यह आपका स्कोरिंग इतना ज्यादा है आपका, मैंने आपको शायद पहली क्लास में बताया था 60 नंबर का आपका एफएम है, जिसमें बहुत आसान आसान सी चीजें। अब आप ये देखो, ये पहला चैप्टर 5 नंबर, एक तरह से अगर मैं थोड़े थोड़े मार्क्स की भी बात करूं, पहला चैप्टर कर रहे हैं 5 नंबर का, इस तरीके के जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, अब देख लो ये पहला क्वेश्चन होता है पेपर में। तो सर 60 में से 5 नंबर का तो ये अभी पहला चैप्टर कर रहे हैं, इसमें भी कोई बड़ा लेवल आपको मेरे को नहीं लगता दिखा होगा। मैं अभी पास्ट ईयर का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, पिछला पेपर खोल के आप उसमें भी देखेंगे ये पेपर में आया था, तो हम तो यूं कर देते इसको। और सर 40 नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो
तो मेरे कहने का मतलब, मैं इस तरीके से आपको फिर से इसलिए बोल रहा हूँ सर, इस पेपर में ना 40 नंबर की फाइट ही नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे हम बात ही ऊपर की करते हैं 60 से ऊपर की, और 60 तभी आते हैं आप टारगेट 80-90 का बना के चलोगे तो जाके 60 से ऊपर आएंगे, और एक्चुअली में भी 80-90 से ऊपर आ जाए तो उससे तो बड़ी बढ़िया बात ही क्या है, ठीक है ना। तो सर बहुत स्कोरिंग है इसलिए अच्छे से करके चलना है इसको, बल्कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स को भी ये कॉम्पेंसेट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। आइए, यू आर गिवन टू फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ अ कंपनी विच हैज टू फाइनेंशियल सिचुएशंस। तो सर दो तरीकों के अलग अलग फाइनेंशियल प्लान है, और उन्हीं दोनों फाइनेंशियल प्लान्स में दो अलग अलग तरीकों की फाइनेंशियल सिचुएशन है। पहले तो यह क्या है, दो फाइनेंशियल प्लान क्या है, मैं बीच में से डेटा उठा रहा हूं। ये है सर दो फाइनेंशियल प्लान, एक प्लान का नाम है XY, एक प्लान का नाम है XM। ये थोड़ा सा इधर आ गया, ये इसके लिए है, ठीक है ना। XY फाइनेंशियल प्लान कहता है इक्विटी से 12,000 रुपए ले लो, डेट से 40,000 रुपए ले लो जिसका कूपन रेट 12% हो, और टोटल पैसा कितना लगाओ 52,000। XM नाम का फाइनेंशियल प्लान कहता है 35,000 आप लो इक्विटी से, 10,000 आप लो डेट से, अगेन जिसका कूपन रेट 12%, और आप टोटल कैपिटल लगाओ 45,000। ये आपके पास एक तरह से टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी। ये दो अलग अलग तरीकों के फाइनेंशियल प्लान है, और फिर सर पहली लाइन में लिखा था दो तरीकों के फाइनेंशियल प्लान है, दो तरीकों की फाइनेंशियल सिचुएशन है। अब वो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है सर ये फिक्स्ड कॉस्ट। सिचुएशन ए अगर फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 हो, सिचुएशन बी अगर फिक्स्ड कॉस्ट 25,000 हो, इससे करना क्या होगा वो तो अभी देखेंगे, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है। मैं तो आपको ये पहली लाइन दिखाना चाह रहा था कि दो फाइनेंशियल प्लान है और दो फाइनेंशियल सिचुएशन है। सिचुएशन वो किसको कह रहा है, दो अलग अलग तरीकों की फिक्स्ड कॉस्ट को। फाइनेंशियल प्लान वो किसको कह रहा है, XY फाइनेंशियल प्लान और XM फाइनेंशियल प्लान, जिसमें डेट इक्विटी से अलग अलग अमाउंट का पैसा आ रहा है, ठीक है ना। ओके सर, द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आर एज अंडर, आपको डेटा दिया हुआ है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स बनाने की हम कैपेसिटी रखते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 60% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब हमने एक्चुअली में काम किया है 6,000 यूनिट्स पर, इंस्टॉल्ड का 60% पर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20, आपके पास यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट की आपको दो सिचुएशंस दे ही रखी हैं, कंट्रीब्यूशन आ ही जाएगा तो आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा। अच्छा, आपको दो प्लान्स के अकॉर्डिंग डेट बता रखा है, उसका कूपन रेट बता रखा है, जो भी आएगा आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ईबीटी आप निकाल ही लोगे। आपसे मांगा है, यू आर रिक्वायर्ड, देखेंगे देवांग फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ बोथ द प्लान्स। आपको दोनों प्लान्स, दोनों सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। अब सर ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली पूरी इनकम स्टेटमेंट का डेटा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, वो बन जाएगी। आपको अल्टीमेटली फॉर्मूला लगाना है ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेज के लिए ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। तो है तो सर ये क्वेश्चन इतना सा, लेकिन स्टिल इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है सर, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट, इसलिए ना करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट देख लो जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्वेश्चन में सच में कुछ नहीं है, लेकिन यहां पे जब फॉर्मेट देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इन इन चीजों का ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज निकालना था। बच्चे यहां पे उसी चीज में गलती करते हैं, क्या सर, इनकम स्टेटमेंट एंड लिवरेज। देखिए फॉर्मेट एक बारी देख लो बस, तो इस फॉर्मेट में मैंने अब क्या किया, पर्टिकुलर्स के अलावा चार कॉलम्स बनेंगे। बिल्कुल सही देवांग, अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो सर दो तरीकों के हैं फाइनेंशियल प्लान, प्लान XY, प्लान XM। XY प्लान के अंडर सिचुएशन ए, XY प्लान के अंडर सिचुएशन बी।
इसी तरीके से एक्सएम प्लान के अंडर सिचुएशन ए, एक्सएम प्लान के अंडर सिचुएशन बी, एक तरह से आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना ली है, एक्स वाई प्लान और ये वाली फिक्स कॉस्ट, एक्स वाई प्लान ये वाली फिक्स कॉस्ट, इसी तरीके से एक्सएम प्लान ये वाली फिक्स कॉस्ट और एक्सएम प्लान ये वाली फिक्स कॉस्ट। मेरे को बताइए समझ आया आपको फॉर्मेट। आगे अब इस क्वेश्चन में सर कुछ नहीं है, अब इनके अकॉर्डिंग आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लिवरेजेस निकालने, खत्म जी खत्म। बताइए एक बारी यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई फॉर्मेट में, किसी को कोई दिक्कत परेशानी बोल दो। ओके जी, अब फिर फटाफट इसको शुरू कर लेंगे सर। तो सबसे पहले सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट कर दूं फिर, मैं भी एक काम करता हूं, मैं भी सर कॉन्ट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट कर देता हूं फिर स्ट्रेट अवे। ओके जी, तो सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000 यूनिट्स थी, हमने काम किया था 60% पर, तो 10,000 का 60% इज नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 रुपए पर यूनिट थी सेलिंग प्राइस, 20 रुपए पर यूनिट थी वेरिएबल कॉस्ट, तो 30 माइनस 20 करके आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई करके टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा 60,000। अब सर कोई भी प्लान हो, कोई भी सिचुएशन हो, कॉन्ट्रीब्यूशन सब में रहने वाला है सेम, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन तक ना तो फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट आया ना इंटरेस्ट का, ठीक है ना। अब इसके आगे चीजें बदल जाएंगी, माइनस करते हैं सर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान रखिएगा जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर रहे हो तो सिचुएशन देखना, सिचुएशन ए में फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000, सिचुएशन बी में फिक्स्ड कॉस्ट है 25,000। सिचुएशन ए यहां पे 20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट, सिचुएशन बी यहां पे 25,000 की फिक्स्ड कॉस्ट, उसी तरीके से यहां पे सिचुएशन ए 20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट, यहां पे सिचुएशन बी 25,000 की फिक्स्ड कॉस्ट। ओके जी, ये आपके पास आ जाएगा यहां पे कंट्रीब्यूशन 40,000, यहां पे 35,000, यहां पे फिर 40,000 और यहां पे 35,000। अच्छा कंट्रीब्यूशन में से फिर माइनस करते हैं, सॉरी यहां पे ईबीआईटी लिखना था, ईबीआईटी आ चुका है आपके पास, EBIT में से फिर माइनस करते हैं इंटरेस्ट। ओके ओके प्रभव, ओके रचना, ओके जी ओके, सॉरी माइनस करते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए ध्यान रखिएगा आपको फाइनेंशियल प्लान देखना है, एक्स वाई फाइनेंशियल प्लान में 40,000 का डेट है 12% के कूपन रेट पे, तो सर यहां पे अभी बड़ी हेडिंग आपकी क्या डली हुई है, एक्स वाई फाइनेंशियल प्लान, उसी में सिचुएशन ए उसी में सिचुएशन बी, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि प्लान एक्स वाई ही है, तो 40,000 डेट इंटू 12% का कूपन रेट, दैट इज 4,800। यहां पे भी 4,800 का इंटरेस्ट, यहां पे भी 4,800 का इंटरेस्ट, लेकिन उसके बाद यहां पे है फाइनेंशियल प्लान एक्स एम, उसमें सिचुएशन ए सिचुएशन बी, तो सर फाइनेंशियल प्लान एक्स एम ये वाला, इसमें डेट था 10,000 का, कूपन रेट वही 12%, तो 10,000 इसका 12% दैट इज 1200, और वही यहां पर आपके पास ईबीटी आ जाएगा 35,200, ओके जी देवांग बहुत बढ़िया, 33,800, अब यहां पे लिवरेजेस निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, मेरे ख्याल से फॉर्मूले तो अब इसके अच्छे से याद हो ही गए होंगे आपको, मतलब के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर 60,000, ईबीआईटी 40,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 40,000, उसी तरीके से यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन 60,000, ईबीआईटी 35,000, उसी तरीके से यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन 60,000, ईबीआईटी 40,000,
और उसी तरीके से यहां पर कंट्रीब्यूशन 60,000, ईबीआईटी 35,000। यह आएगा 1.5, तो फिर यहां पे भी सेम आएगा 1.5, क्योंकि सेम है 60 डिवाइडेड बाय 40, और यहां पे आएगा 1.71। ओके जी, और यहां पे भी 1.71। ठीक है देवांग, ठीक है यश, हो गया सबका? आसान था बिल्कुल यहां तक। लास्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज फॉर्मूला, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। तो यहां पे ईबीआईटी 40,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी 35,200, इसी तरीके से सेकंड वाले में ईबीआईटी 35,000, ईबीटी 30,200, इसी तरीके से यहां पे ईबीआईटी 40,000, ईबीटी 38,800, और इसी तरीके से यहां पे ईबीआईटी 35,000, ईबीटी 33,800। ठीक है देवांग, 1.14 ये वाला, 1.16 ये वाला, 1.03 और लास्ट वाला 1.04। एंड दिस इज इट, ये था आपका ये क्वेश्चन। आई होप ये भी बिल्कुल आसान लगा होगा आपको। कंप्लीट करिए, जब हो जाए तो मुझे बताइए। यश हो चुका, ओके यश, सुषमा, प्रभव, ठीक है प्रभव, आपके ग्रुप वन की तैयारी भी ठीक चल रही है, रिवाइज कर रहे हो? ओके जी, चलिए। तो सर अब देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पेपर में 10 नंबर में आया हुआ है, और कितनी बारी रिपीटेड है, आरटीपी में भी ये क्वेश्चन 10 नंबर का सर ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हाँ जी देवांग, आप हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए। तो सर बड़े आसान आसान से देखो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, काफी स्कोरिंग पेपर आपका हो जाता है ये। इकोनॉमिक्स वाला पार्ट तो वैसे ही हम इस तरीके से करेंगे कि क्लास की क्लास में निपटे, घर पे उसको करने की टेंशन ही ना रहे, ठीक है ना। थ्योरी वाले पार्ट की कोचिंग लेने का फायदा ही तभी है अगर वो क्लास की क्लास में निपटे, तो क्या ही फायदा अगर अपना टाइम लगाना पड़े। आइए सर क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। ये वाला क्वेश्चन अभी रीसेंट, मेरे को पिछले अटेम्प्ट में तो अलग क्वेश्चन था, उससे पिछले अटेम्प्ट में अभी रीसेंट यही वाला क्वेश्चन आया, सेम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 12। भाई होश में हो, नींद में तो नहीं हो, कर लें अभी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वैसे मैं आपसे पूछता तो फॉर्मेलिटी के लिए ही हूं, करने तो हैं ही। हां जी, एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमने अभी तक खत्म कर लिया ना, इसलिए आज की क्लास में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि कहीं थक तो नहीं रहे तुम देवांग। मजा आ रहा है, सही है, मजा तो आना ही चाहिए। चल मार के पढ़ाई करो यार, मन पे प्रेशर नहीं लेना, बस दिन का बेबी स्टेप्स लो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और बस दिन के दिन वो टारगेट पूरे करते रहो, चिल मार के, मन पे प्रेशर नहीं लेना। जिस दिन मन पे टेंशन लेनी शुरू कर दी ना कि यार अभी इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, उस दिन आप पैनिक करना शुरू कर दोगे और ढंग से तैयारी नहीं होगी फिर। नहीं रचना, ऐसा तो नहीं है जी देवांग, कल टेस्ट तो है ही है, कोई बात नहीं, आइए स्टार्ट करेंगे। जल्दी छोड़ दूंगा सर आज की क्लास, 6:05 पे। चलिए, जेड लिमिटेड इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹80 लाख। तो सर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है जिसमें 80 लाख रुपयों की जरूरत है, मतलब ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, इतना पैसा आपको लगाना है। अब कहां से लाते हैं ये पैसा, वो देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या बताता है। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 90 लाख। अगर आपने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जिसमें 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो पर एनम के हिसाब से हर साल आपका सेल्स का रेवेन्यू 90 लाख रुपए का आएगा, एंड इट्स वेरिएबल कॉस्ट आर 60% ऑफ सेल्स। तो यहां से आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह आ जाएगा। एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट
इज ₹10 लाख, ये आपको साल की फिक्स्ड कॉस्ट बता दी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%, बहुत बढ़िया। द कंपनी वॉन्ट्स टू अरेंज फंड्स थ्रू इशूइंग 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹40 लाख। मतलब यहां पे आपको क्या बताया, एक तरह से आपको इस पार्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन में। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर, कुछ पैसा सर हम लाएंगे इक्विटी से, इक्विटी से लाएंगे। कंपनी वॉन्ट्स टू अरेंज द फंड्स थ्रू इशूइंग 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो सर 4 लाख तो हम इक्विटी शेयर्स से पैसा रेज करेंगे और एक शेयर ₹10 का होगा, मतलब ₹40 लाख इक्विटी से आएगा एंड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹40 लाख, और ₹40 लाख हम 12% डिबेंचर से रेज करेंगे, तब जाके मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, 80 लाख। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई एक तरह से। और पहली लाइन में क्वेश्चन में यही बोला था कि आपको कितना पैसा चाहिए, 80 लाख रुपया, वो आएगा कैसे, वो यहां पे आपको क्वेश्चन ने एक्सप्लेन कर दिया। आपसे मांगा क्या है फर्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज एंड अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीजें आपसे पहले पार्ट में मांगी हैं। सेकंड पार्ट अभी बाद में पढ़ेंगे, आइए पहले पहला पार्ट ही करते हैं। क्या बनाना पड़ेगा सर इसके लिए, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। आइए फॉर्मेट एक बारी देख लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा, अगर खुद से आगे बढ़ के खुद से कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट, तो ये मैंने एक कॉलम बनाया जहां पे ये प्रेजेंट सिचुएशन जैसी क्वेश्चन में बोल रखी है ना, वो सब मैं यहां पे करूंगा। इसके अलावा मैं यहां पे 3 कॉलम और बना रहा हूं, मतलब इन टोटल मैंने 4 कॉलम बनाए पर्टिकुलर्स के अलावा। सर ये जो एक्स्ट्रा, ये जो 3 कॉलम्स और बनाए ये क्यों, अभी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तब आप देखेंगे इनमें भी ऐसा ही कुछ मांगा है जो कि हम यहां पे करेंगे, ताकि मेरे को अलग से ये फॉर्मेट ना बनाना पड़े, मैंने साथ के साथ बना लिया। लेकिन अभी काम प्रेजेंट सिचुएशन का ही करके चलते हैं, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट, तो फॉर्मेट आगे कंप्लीट बना के चलिए, आगे करना क्या है वो सेकंड पार्ट पढ़ के ही पता चलेगा, तब देखेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखी सेल्स, सेल्स है सर ₹90 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है सर 60%, ₹90 लाख का 60% दैट इज ₹54 लाख, ये आएगा ना आपके पास। रिमेनिंग ₹36 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा, ठीक है जी। तो ये भी हो गया, वेरिएबल कॉस्ट भी हो गई, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ₹10 लाख, ठीक है जी। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ₹10 लाख, हमारे पास यहां पे ईबीआईटी आ जाएगा। ₹26 लाख माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। अब तो हमने क्वेश्चन एनालाइज कर लिया, तो हमको पता है हमारे पास 12% के कूपन रेट का डेट है जिसका अमाउंट ₹40 लाख है, तो यहां से इंटरेस्ट आ जाएगा। हां सर, ₹40 लाख का 12% कूपन रेट के हिसाब से आपके पास इंटरेस्ट आएगा, ये 4,80,000 बनेगा ना, हाँ जी। तो ये 4,80,000 का आपके पास बन गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करते हैं, आपके पास क्या बचता है, ईबीटी। ₹21,20,000 नॉर्मली अभी तक के क्वेश्चंस में मैं यहां पे छोड़ दिया करता था और इसी के अकॉर्डिंग लिवरेजेस निकाल लेता था, लेकिन सर आपको इस क्वेश्चन में टैक्स का रेट भी गिवन है 30%, तो ईबीटी में से अब टैक्स माइनस करेंगे, जहां तक का डेटा होगा वहां तक की पूरी इनकम स्टेटमेंट आपको कवर अप करनी होती है। माइनस टैक्स एट 30%। एंड बाय द वे, अगर आपसे एक बात और सुन लो, अगर आपसे क्वेश्चन ने ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और बस कंबाइंड लिवरेज ही मांगा होता ना,
तो भी मैं इस क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट को ईबीटी पे रोक देता, आगे की बात ना करता। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे ईपीएस भी मांगा है और सेकंड पार्ट में भी आपसे ईपीएस से रिलेटेड कोई चीज मांगी है, तो आपको इनकम स्टेटमेंट को आगे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसका रीजन, ईपीएस का फॉर्मूला क्या बनता है, ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर, ये किसके लिए निकाली जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए निकाली जाती है। सर अल्टीमेटली अर्निंग पर शेयर का मतलब यह है कि इक्विटी शेयर होल्डर को आप बता रहे हो कि तुम्हारे पर शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा कमाया। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी वालों के लिए टोटल आपने क्या कमाया डिवाइडेड बाय उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, ताकि पर शेयर की उनकी अर्निंग्स पता चले। तो सर ईपीएस निकालने के लिए मुझे अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक की इनकम स्टेटमेंट बनानी ही पड़ेगी, ठीक है ना जी सर। ओके, तो यहां पे 21,20,000 का 30% आपके पास टैक्स आया 6,36,000। आपके पास यहां पे ईएटी बचेगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ₹14,84,000। ठीक है देवांग। अच्छा, ईएटी में से फिर उसके बाद माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। अब सर प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई डेटा है नहीं है क्वेश्चन में, प्रेफरेंशियल कैपिटल का ही डेटा नहीं है, तो मैं प्रेफरेंशियल कैपिटल को जीरो मान लूंगा, तो मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो। तो सर इसी को मैं यहां पर लिख दूंगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको ESH लिख दिया, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का डेटा नहीं है, होता तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करता। सर इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे क्वेश्चन में दिए हुए थे 4,00,000, तो 4,00,000 नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, आपके पास यहां पे ईपीएस आ जाएगी 14,84,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000, 3.71 पर शेयर। ठीक है जी, ओके यश, ओके देवांग। अच्छा, ये जो ईपीएस था ये फर्स्ट पार्ट का आखिरी पार्ट था। उसके अलावा फर्स्ट पार्ट में आपसे ऑपरेटिंग कंबाइंड और फाइनेंशियल लिवरेजेस वगैरह भी मांगे हैं, इसी के नीचे पहले वो भी कंप्यूट कर लेते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला, सर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो यहां पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 36,00,000, ईबीआईटी 26,00,000। ओके जी, 36,00,000 डिवाइडेड बाय 26,00,000, ये आ गया आपके पास, ठीक है यश, 1.38। उसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज भी मांगा है, फॉर्मूला एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी वही 26,00,000, ईबीटी 21,20,000। 26,00,000 डिवाइडेड बाय 21,20,000, ये आ गया आपके पास 1.23। आखिरी आपसे मांगा था डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डीओएल और डीएफएल आ चुका है, मल्टीप्लीकेशन से ही निकाल दो, DOL मल्टीप्लाई बाय DFL 1.38 मल्टीप्लाई बाय 1.23, ये आ जाएगा आपके पास 1.697 आ रहा है, तो वो राउंड ऑफ करके पूरा ही 1.7 ही बन जाएगा, ठीक है ना। एंड दिस इज इट सर, ये था आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कंप्लीट करिए एक बारी, फिर मैं सेकंड पार्ट पे आगे चलूंगा। हो गया सबका, चलिए जी, ओके। अब सर आते हैं, ये हमने पूरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट में आपसे मांगा है डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी, मतलब आपसे क्या निकालने को बोला है सेकंड पार्ट में, ईबीआईटी लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी आपको क्या निकालना है सर, ईबीआईटी निकालना है सेकंड पार्ट में इफ ईपीएस इज 4, 2 या 0। मतलब ईपीएस अगर 4 हो तो ईबीआईटी कितना, ईपीएस 2 हो तो ईबीआईटी कितना, ईपीएस 0 हो तो ईबीआईटी कितना। यहां पे ईपीएस 4 रखेंगे ए पार्ट, यहां पे ईपीएस 2 रखेंगे बी पार्ट,
यहाँ पे ईपीएस जीरो रखेंगे सी पार्ट, और ये तीनों ही आपके सेकंड पार्ट का आंसर होंगे। और सर यहां पे और कुछ नहीं होगा, रिवर्स वर्किंग होगी। क्या देखिए, ईपीएस मुझे बी ए पार्ट में, सेकंड के ए पार्ट में ईपीएस कितनी रखनी है? 4 एक समझ लो, बाकी आप खुद कर लोगे। ईपीएस सर 4 रखनी है, 4 पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो सर वही रहेंगे 4 लाख, आपके पास अर्निंग्स आ जाएंगी। भाई ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स इधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। हां सर, तो 4 लाख इंटू 4 आपके पास 16 लाख की अर्निंग्स आ गई। मेरे को बताइए समझ आया? अच्छा सर, टैक्स रेट है 30%, इसका मतलब जो भी यहां पे ईबीटी है अगर वो 100% है और उसका 30% टैक्स है, तो जो भी ईएटी बचता है वो 70% की इनकम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 16 लाख 70% की इनकम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप यहां पे 16 लाख डिवाइडेड बाय 70% करेंगे, सीधा सीधा रिवर्स वर्किंग करके आपके पास सारा आंसर आ जाएगा। आप 16 लाख डिवाइडेड बाय 70% करेंगे, आपके पास 100% का आंसर आ जाएगा, विच वॉज ईबीटी, दैट इज 22,85,714। उसमें से बैलेंसिंग फिगर आपका ये टैक्स बनेगा 6,85,714। मेरे को एक बारी बताइए यहां तक की सारी बात आपको समझ आई है जो भी मैं कर रहा हूं? ये एक तरह से आपका पूरा का पूरा रिवर्स वर्किंग चल रहा है। हाँ जी, सभी को क्लियर है? अच्छा, आपके पास ईबीटी आ चुका है, इंटरेस्ट आपका ईपीएस कुछ भी आए, बैंक से जो आपने लोन ले रखा है उनको इंटरेस्ट तो उतना ही देना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपका यहां पे 4,80,000 ही है। बस रिवर्स वर्किंग, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी होता है। अब ईबीटी में इंटरेस्ट एड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ईबीआईटी, तो 22,85,714 प्लस 4,80,000, ये आएगा आपके पास 27,65,714, एंड दिस इज इट। आपको यही तो निकालना था नालायक। हाँ जी, समझ आया सबको? तो एक तरह से ये पूरी की पूरी मैं यहां पे आपके रेफरेंस के लिए लगा भी देता हूं, ये आपने और कुछ नहीं यहां पे एक इस तरीके से रिवर्स वर्किंग करी है। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड लेवल पे, सेकंड पार्ट में आपको बोला है अगर ईपीएस 2 पर शेयर हो। सर ईपीएस अगर 2 है, नंबर ऑफ शेयर्स तो 4 लाख ही रहेंगे, तो अर्निंग्स आ जाएंगी 4 लाख शेयर्स इंटू पर शेयर की 2 रुपए की अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स 8 लाख। अब अगर 100% का ईबीटी है, 30% का टैक्स है, तो ये जो ईएटी है ये 70% की वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सीधा सीधा 8 लाख डिवाइडेड बाय 70% आपके पास 100% की वैल्यू विच इज ईबीटी, वो आ जाएगा आपके पास 11,42,857। बाकी 3,42,857 आपके पास टैक्स का अमाउंट आ गया। अच्छा, ईबीटी आ चुका है, इंटरेस्ट तो जो भी हो जाए इंटरेस्ट सेम रहेगा, 4,80,000 का आपका इंटरेस्ट ईबीटी में इंटरेस्ट ऐड करेंगे, आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा 16,22,857। और सर यही तो निकालना था, जब ईपीएस 2 होगा तो ईबीआईटी 16,22,857 होगा। यहां पे भी हमने क्या किया, बिल्कुल उसी तरीके से एक रिवर्स वर्किंग करी है। आई गेस समझ आ गया। लास्ट केस, ईपीएस सर 0 है, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख हैं। सर नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख होने के बावजूद भी ईपीएस 0 कब बनेगा? जब आपकी अर्निंग 0 होंगी। तो यहां पे भी 0 है। अच्छा, अर्निंग 0, टैक्स कुछ होगा ही नहीं सर फिर, और ईबीटी भी आपका 0 आया होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट है आपका 4,80,000, वो तो सर अभी भी इंटैक्ट रहेगा, तो आपका ईबीआईटी कितना होगा?
480,000। कहने का मतलब है आपने उतना ही ईबीआईटी कमाया जितना आपका इंटरेस्ट, उस वजह से आपका आगे सारी वैल्यू जीरो बन गई। तो जब जीरो ईपीएस तो 480,000 का आपका ईबीआईटी, एंड दिस इज इट। ये था आपका ये वाला क्वेश्चन, कंप्लीट करिए। तो और कुछ नहीं है इसमें, पूरा हमने बस रिवर्स वर्किंग करी है। मेरे को बताइए सभी को क्लियर हो गया? हो गया प्रभव, ओके आर्यन, ठीक है, ओके सार्थक, बहुत बढ़िया। चलिए तो सभी बच्चों का क्वेश्चन हो गया है ये, आगे देखते हैं। तो सर ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये देख लो, यहां पे मैंने पास्ट ईयर एक लिख रखा है, लेकिन ये तो मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली, एक अटेम्प्ट छोड़ के पिछले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया है। आई गेस मुश्किल ये भी नहीं लगा होगा, आसान क्वेश्चन था ये भी। अभी क्लास नहीं छोड़ रहा हूं, चिंता मत करिए। ऑल्दो आपका नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, और बल्कि हम अपना नया चैप्टर शुरू भी कर लेंगे, जरा सा बचा है बस अभी। आइए आज का एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं बस, अभी तक तो मुश्किल नहीं लगा। जी सर है भी नहीं, ये तो बहुत ही आसान है, गजब बात। एक क्वेश्चन और कर लें बस आज का लास्ट। ओके सर, बच्चे इतना फोर्स कर रहे हैं, सर आज एक क्वेश्चन और कराओ। मैं तो छुट्टी करने वाला था, लेकिन आपने ऐसे बोल दिया इसलिए मेरे को करवाना पड़ रहा है यार। कोई बात नहीं, अब बच्चे ऐसे बोलेंगे तो मेरी कहां ही चलेगी, मेरे को मानना पड़ेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ यार। कोई नहीं, झेलो। ओके मैं तो खुशी खुशी झेल लूंगा, ठीक है देवांग। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन देख लो अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट्स में कितनी बारी रिपीटेड है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन देख लो, पेपर में आते पक्का हैं, लेकिन आते बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। ये नालायक हटेगा कैसे यार, ये तो कोटाना जी आ जाएंगी। कभी मैं पढ़ाता हूं मेरी सीरी सुन लेती है, बताओ। चलो कोई बात नहीं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। A company had the following balance sheet as on 31st March 2015. आपको balance sheet का data दिया हुआ है। Sir, equity share capital है, 10 रुपए का एक share है, 40 लाख रुपए की capital है। इसका मतलब number of shares कितने हो जाएंगे? 4 लाख। 40 लाख की capital, 10 रुपए का एक share, तो 4 लाख number of shares। जिसको सुनना है वो नहीं सुन रहा, और बाकी सब सुन रहे हैं। देख देवांग, ये बात तुम्हारे लिए करते हो, अपने लिए करते हो तो ठीक है। अगर ये बात मेरे लिए कर रहा है, और ऐसी बात अगर करनी ही है, तो एक काम करी यहां पे ना, जिसको सुनना है वो नहीं सुन रहा की जगह रही कर दे। मैं सीधे रास्ते चलने वाला इंसान, ठीक है देवांग नालायक। मेरे को तो ना इसकी कई बार वो वाली बात नहीं भूलती, होली वाले दिन जब ये आया था, सबसे एक ही सवाल पूछ रहा था उस दिन ही। ओके देवांग। चलो तो इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख रुपए, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको 8 लाख दिया हुआ है, 15% डिबेंचर्स 80 लाख, करंट लाइबिलिटीज 32 लाख, फिक्स एसेट्स 1 करोड़ 28 लाख और करंट एसेट्स 32 लाख के आपके दे रखे हैं। एक बार ये सरकमस्टांस थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, कोविड वगैरह का जो भी चल रहा है, सेफ हो जाए बेसिकली, मेरे कहने का मतलब है सबके लिए, तो एक पार्टी तो करेंगे फिर, ठीक है कि नहीं? ओके सर, चल। The additional information given is as under. होली वाले दिन बहुत भयानक था मेरे लिए। क्यों भयानक था तुम्हारे लिए? ठीक है देवांग, पक्की बात। जो तू कह रहा लिटल लिटल, वो तेरे पेपर के बाद। अभी टीचर स्टूडेंट वाला है ना, वो खत्म हो जाने दे एक बारी, जैसे तुम्हारे इंटर के पेपर हो जाएंगे, फिर दोस्त बन जाएंगे, फिर चलेंगे पक्का। वैसे पहले भी जा ही सकते हैं, क्या ही हो गया, लेकिन तुम्हारे पेपर है ना यार, वो नुकसान ना हो जाए। सार्थक देख, होली से पहले तू राजपाल सर के पीछे पड़ा हुआ था, उस दिन राजपाल सर तेरे पीछे पड़ गए। मैंने सुना तूने बड़ी सारी एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं सर से जाके। बट चलेंगे यार, ठीक है, हम जो ग्रुप टू वाले हैं, बल्कि लिमिटेड हैं, तो सही भी रहेगा, ज्यादा बच्चे भी नहीं होंगे, हम लोग चलेंगे एक पार्टी करने,
ठीक है ना, कहीं बाहर भी चलना होगा बाहर चलेंगे, बस थोड़ा सा सेफ होने दो, ठीक है। तब तक मैक्सिमम तैयारी अपनी डन करते हैं ताकि पेपर से पहले एक छोटा सा ट्रिप भी लगाएं और थोड़ा सा चिलैक्स भी हो जाएं और फिर आराम से आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, ताकि ट्रिप पे भी टेंशन ना हो, उससे पहले पहले तैयारी कर लेंगे, ठीक है जी। हिमानी जी ओके, चलो। द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 32 लाख रुपए, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 70% दे रखी है, मतलब सेल का 70% वेरिएबल कॉस्ट है बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आपको 2.5 है, अभी देखते हैं ये क्या है, मैंने ये समझाया नहीं है आपको। इनकम टैक्स का रेट आपको 30% दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन ने मांगा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, अर्निंग पर शेयर एंड कॉमेंट, ठीक है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वही सारे लिवरेजेस निकालने हैं, ठीक है निकालो। लिवरेजेस निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा सर? सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए सर? सेल चाहिए। डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आ जाए तो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, नहीं तो सेल चाहिए माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। सेल नहीं है सर आपके पास इस क्वेश्चन में, मेरी बात समझ आई? ट्रिक पॉइंट समझ आया? क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, जैसे अभी तक के क्वेश्चन करे हैं वैसे हैं, लेकिन सर इस क्वेश्चन में सेल नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे को इस क्वेश्चन में सेल निकालनी पड़ेगी। जी सार्थक बिल्कुल जो आपने कहा। अब यहां पे मेरी एक बात सुनिए, आई गेस पहले तो ये सबको समझ आ गया, लिवरेजेस निकालने हैं उसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट का पहला पॉइंट है सेल, और वही नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन सर सेल निकालने के लिए आपको एक हिंट दिया हुआ है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब मेरी एक बात सुनिए, अब मैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में आपको कुछ बता रहा हूं। एसेट टर्नओवर रेशियो 90% नालायक, 90% नालायक जितने मेरे कांटेक्ट में आए हैं। एक तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है सारे नालायक ही मेरे कांटेक्ट में आते हैं। 90% नालायक इसका फॉर्मूला क्या बनाते हैं? आप लिखेंगे और उसको काटेंगे ताकि कहीं आपसे दोबारा गलती ना हो जाए उस चीज की। 90% बच्चे इसका फॉर्मूला बनाते हैं एसेट्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर। बाय द वे टर्नओवर इज व्हाट? सेल्स। क्यों बनाते हैं वो ये फॉर्मूला? पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे बच्चे, उनसे पूछा जाए आपने ऐसा फॉर्मूला क्यों बना दिया, तो वो कहते हैं देखो सर क्या लिखा हुआ है, एसेट टर्नओवर, तो हमने पहले एसेट लिख दिया फिर टर्नओवर लिख दिया, फॉर्मूले में भी तो वैसे ही लिखा हुआ था एसेट टर्नओवर रेशियो। सर मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपको यह फॉर्मूला ऐसे याद ना भी रहे तो आप मतलब बना लीजिएगा मैंने आपको क्या बताया हुआ है, कि किसी भी फॉर्मूले को जब समझा जाता है तो डिनोमिनेटर से समझा जाता है। जरा समझने की कोशिश करना इस फॉर्मूले को। यह फॉर्मूला कह रहा है कितनी टर्नओवर होगी तो उस पर कितने एसेट लगाओगे। मेरे को एक बात बताओ, पहले आपकी मार्केट में सेल हो जाएगी या पहले आपको मशीनें लगानी पड़ेंगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, बिल्डिंग लगानी पड़ेगी? भाई पहले सेल करोगे मार्केट में प्रोडक्ट को फिर जाके एसेट लगाओगे, या पहले एसेट लगाओगे उसकी मदद से प्रोडक्शन करोगे तब जाके मार्केट में सेल कर पाओगे? सर पहले एसेट लगाओगे ना, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एसेट्स, सारे एसेट्स लगाओगे उससे प्रोडक्शन कर पाओगे फिर जाके उस प्रोडक्शन को मार्केट में बेच पाओगे। तो सर ये फॉर्मूला तो उल्टा कह रहा है जो लिखा है। ये फॉर्मूला कह रहा है पहले सेल करी उससे कितने एसेट लगाए, बताओ गजब बात। तो सर ये फॉर्मूला है गलत। इसका फॉर्मूला भले लिखा है एसेट टर्नओवर, फॉर्मूला बनता है इसका टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट्स, टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स, ठीक है जी। ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को अगर समझने की कोशिश करो डिनोमिनेटर से, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, कितने एसेट लगाएंगे उससे कितनी सेल कर पाएंगे। अब बिल्कुल सही है सर, पहले एसेट लगाएंगे प्रोडक्शन होगी फिर ही तो मार्केट में बेच पाएंगे। अब सर आपके पास क्वेश्चन में ये एसेट टर्नओवर का आंसर आपको दिया हुआ है कितना, एसेट टर्नओवर आपको क्वेश्चन में 2.5 दी हुई है, इक्वल्स 2.5 टर्नओवर मेरे को निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। 1,28,00,000 के फिक्स एसेट्स, 32,00,000 के करंट एसेट्स, टोटल 1,60,00,000, बहुत बढ़िया। 1,60,00,000 के आपके पास टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 2.5, हेंस आपके पास सेल्स आ गई सर। टर्नओवर और
सेल्स इक्वल्स टू, ये आपके पास 4 करोड़ आ जाएगी। बस अब ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल हो गया। यही एक छोटा सा पॉइंट था। ऑल्दो बहुत से बच्चे एसेट टर्नओवर को देखकर ट्रिक भी समझ जाते हैं कि यहां पे सेल निकालनी पड़ेगी, वो नहीं है, लेकिन गलती यहां पर इस फॉर्मूले की हो जाती है। इसलिए प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तभी मैंने आपको पहले गलत लिखवाया, उसको कटवाया, फिर सही फॉर्मूला लिखवाया, ताकि रिवाइज करते हुए भी आपको ध्यान रहे, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है जी, चलिए अब यहां पे आपको सिंपल काम करना है। इनकम स्टेटमेंट अब तो क्वेश्चन सिंपल है, पर्टिकुलर्स आई गेस आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अमाउंट अगर स्क्रॉल अप करवाना है तो प्लीज बता दीजिएगा। सेल्स अभी आपने निकाला 4 करोड़, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो आपको दी हुई थी 70%, तो 4 करोड़ का 70%, अच्छा 2 करोड़ 80 लाख, तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है जी, माइनस करेंगे इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 32 लाख, ये आपके पास आ जाएगा ईबीआईटी, माइनस करेंगे ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपके पास बैलेंस शीट में 15% डिबेंचर्स दिए हुए हैं, कूपन रेट 15% हो गया, 80 लाख के डिबेंचर्स, तो यहां से इंटरेस्ट आ जाएगा। एट्टी लाख का 15% 12 लाख, ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा ईबीटी 76 लाख। उसके बाद आपके पास इस क्वेश्चन में टैक्स का रेट भी दिया हुआ है 30%, माइनस टैक्स एट 30%, तो 76 लाख का 30%, 22,80,000, EAT, earnings after tax, $53,20,000। अच्छा, earnings after tax में से माइनस होता है preference dividend, लेकिन preference की फिर आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है। preference dividend माइनस करने के बाद आपके पास आता है earnings for equity shareholders, उसमें से माइनस करते हैं equity dividend, उसकी भी कोई डिटेल्स नहीं है। fixed cost, variable cost, asset turnover, income tax rate, इन सब का जो यूज होना था हम कर चुके हैं। तो इसी EAT को मैं क्या नाम दे दूंगा, earnings for equity shareholders। ठीक है कि नहीं? अच्छा, आपसे earning per share भी मांगा था, तो earning per share अभी साथ के साथ निकाल लेते हैं। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको 40 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, 10 रुपए का एक शेयर जहां पे आपने एनालाइज किया था, मतलब फिर 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, तो इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, दैट इज 4 लाख। ये आपके पास ईपीएस आ जाएगी 1.33, ओके 1.33 पर शेयर। ठीक है जी, ये आपके पास इस क्वेश्चन की फोर्थ पार्ट की रिक्वायरमेंट पहले हमने निकाल दी है, मेंशन कर देंगे इसके आगे। ठीक है ना, उसके अलावा आपसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में वही ऑपरेटिंग, सेकंड पार्ट में फाइनेंशियल, थर्ड पार्ट में कंबाइंड लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास 1 करोड़ 20 लाख, ईबीआईटी 88 लाख।
ये आपने बताया 13.3 है ईपीएस, रुको मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है 13.3 है सर, ये सॉरी 13.3 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 88,00,000 1.36 डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी तो 88,00,000 ही है, ईबीटी क्वेश्चन में आया 76,00,000, ओके जी, तो डिवाइडेड बाय 76,00,000, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 1.16। लास्ट डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, यहां पे सीधा सीधा वो रिलेशनशिप लगा देंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जो कि इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो ये आ जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई बाय 1.16 1.58 एंड दिस इज इट, ये था आपका ये क्वेश्चन, ठीक है सुषमा बिल्कुल सही। ये क्या निकाला यश 2.176, ये क्या है, कोई बात नहीं कंप्लीट करिए क्वेश्चन। सर वी नो कि डे बहुत टायरिंग होता है बट प्लीज एक स्टडी स्केड्यूल दे दो, सर खुद से प्लान नहीं हो पा रहा है एंड डेज भी निकलते जा रहे हैं। सार्थक सॉरी, लेकिन मतलब जो मैं अभी तक इतने वो बोलता आ रहा था कि सेशन लूंगा, मेरे को ना समझाना है आपसे, ना सारा सुनना है एक बारी, बिलीव मी मैं अभी एकदम से मैं बता जाऊंगा, जैसे मैंने उस दिन भी बता दिया था, वो तो मैंने अपने मन से बता दिया, तो एकदम आपको डाउट आया ना उसमें, तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक बारी आपका सुनना चाहता हूं, आप कैसे कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैं उसमें से हर बच्चे को फिर उसके हिसाब से बना के दूंगा, तो ना बस कल पक्का, आज नहीं ले पाया कल 110%, ठीक है 5-6 बजे जिस टाइम पे भी आपकी क्लास खत्म होगी ना, रात को 8 बजे चाहे, उस टाइम कल पक्का पक्का है सेशन, और उसमें सारा डिस्कस करेंगे और सबके हिसाब से एक प्लानर बनाएंगे, पक्का पक्का कल बेटा 8 बजे या 8:30 बजे कर लेंगे, ठीक है प्रतिष्ठा कल 110% पक्का है, ओके जी चलो फिर बाय बाय, आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप आपको आज हमने काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, आपको सारे क्लियर हुए होंगे वो, ठीक है ना, बाय बाय।